बहुत धन्यवाद। मेरे नाल अमन अरोड़ा जी, हरभजन सिंह ईटीओ जी, मेरे कैबिनेट कोलीग, अज मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिदे बहुत ही अहम फैसले पंजाब की उन्नति लई, पंजाब की तरक्की दे लई, पंजाब विच वख वख पॉलिसियां पंजाब दे अंदर अज इंट्रोड्यूस कीतियां गईयां, उन्हां विचों कुछ जिहड़े अहम फैसले लेंगे जिहड़े असीं तुहाडे नाल सांझे कर रहे हां। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दे विच जिहड़ा ग्रुप बी ते सी दा जिहड़ियां ग्रुप बी च पोस्टां कुछ आ गईयां सी, क्योंकि कईआं पोस्टां दे तनखा स्केल बदलन के कारण, जिवें कलर्कां दी भर्ती दी गल करिए, वो ग्रुप बी च आ गईयां, पर लेकिन उत्थे कोई मैकेनिज़म नहीं सी भर्ती करन दा, वो एस एस बोर्ड दे विच ही रखियां गईयां ने। सो उत्थे असीं ग्रुप ए दीआं पोस्टां जिहड़ियां वो सिर्फ तो सिर्फ पबलिक यूनियन पब्लिक अपना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिहड़ा हैगा वह करिया करूँ, दूसरियां पोस्टां जिहड़ियां एस एस बोर्ड करिया करूगा। इस तों इलावा पंजाब फोरेंसिक साइंस सर्विस रूल दे विच जिहड़ी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की गई आ, तां कि जिहड़ियां उत्थे काफ़ी सारिया टैक्नीकल लैब्स दीआं पोस्टां खाली पईआं सी, बहुत सारिया फोरेंसिक साइंस दीआं रिपोर्टां हुंदीआं ने गियां, जिहड़ियां अदालतों के अंदर जिन्हां नूं बतौर एविडेंस बतौर सबूत वरत्या जांदा गा वो डिले हो जांदियां सीगियां, और बहुत सारे मुकदमियां दा फैसला सही समय सिर नहीं हुंदा सीगा। सो उत्थे उन्हां असामियां नूं प्रवानगी दित्ती आ तां कि रूल अमेंड होकर उत्थे नवें जिहड़े भर्ती की जा सके, और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी दीआं रिपोर्टां जिहड़ियां ने वह समय सिर अदालतों के अंदर पहुँच सकन। और इस तों बिना जिहड़ी अज दा अहम ते वड्डी जिहड़ी असी अज दा डिसीजन होया, पंजाब दे अंदर नवी जिहड़ी उद्योगिक अते व्यापारक विकास नीति दा अज दी जिहड़ी कैबिनेट सी उहनें प्रवानगी दित्ती हैगी। पहली जिहड़ी पॉलिसी सी जिहड़ी पुरानी पॉलिसी सी उह 16/10/2022 नूं खत्म हो चुकी सी, नवी पॉलिसी दा अज आगाज़ मानयोग सीएम साहब की प्रवानगी दे नाल कैबिनेट ने प्रवानगी दित्ती हैगी। नवी जिहड़ी उद्योगिक ते विकास की नीति आई है, नवी जिहड़ी साडी इंडस्ट्री पॉलिसी जिहड़ी आ उह अज असीं इंट्रोड्यूस कीती आ। इस तरह शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट के निर्माण के संबंधी भी जिहड़ियां अज पास किया गया, और इस तों बिना होर जिहड़ी एक पॉलिसी आ जिहड़ी पंजाब इलैक्ट्रिक वहीकल पॉलिसी 2022 वह भी अज असी नवी पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस की आ। इस तो बिना जिहड़े अध्यापक जिहड़े स्कूल मुखी जिन्हां नूं असी ट्रेनिंग दे लई फॉरन दे विच भेजिया गया, जिन्हां नूं साडे बच्चियां नूं अच्छी एजुकेशन देण दे मकसद दे नाल साडे आउण वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर एक अच्छी एजुकेशन होवे, तां कि असी अपने अध्यापकां नूं बाहरले देशों के भेजिए, असी उन्होंने लिए भी अज नवीं जिहड़ियां सोधां कीतियां नेगियां। सो मैं हुण अमन अरोड़ा जी नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि अज की जिहड़ी नवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ उहदे संबंध डिटेल दे नाल तुहानूं साझा करनगे। नवीं जिहड़ी अज की इंडस्ट्रियल पॉलिसी असी अज अडोप्ट कीती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग साथी हरपाल चीमा जी का, जिन्हां ने एक इंट्रोडक्टरी अज का एजेंडा जिहड़ा वो तुहाडे नाल डिस्कस किया, और हरभजन सिंह जी ईटीओ साहब साडे कैबिनेट साथी। सो साथियों जिवें तुहानूं चीमा साहब ने दस्या है ब्रीफली अज बड़े अहम इशूज़ ने जिहड़े वो डिस्कस होए ने, तो उन्हां बारे भगवंत मान जी की सरकार ने उन्हां दी अगवाई दे विच फैसला लिया, जिहड़े मेन चार पांच इशूज़ जिन्हां दे उपर असी फोकस करना चाहांगे, जिवें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की गल की है। मैं समझदा कि अज पंजाब नूं इनवैसटमेंट के परपज़ के नाल इंडस्ट्री के परपज़ के नाल मोस्ट फेवर डेस्टिनेशन पूरे मुल्क दे विचों बनाउण दे लई भगवंत मान जी खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों दे विच ओ कई थावां दे उपर हैदराबाद बॉम्बे जर्मनी जाके आए ने, जिहदे नाल एक बहुत वड्डी इनवैसटमेंट है जिहड़ी वो पंजाब दे विच आ रही है, और मैनूं दसदे खुशी हो रही है कि पावर सैक्टर पावर अज पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं पूरे मुल्क नालों अज सब तो लोएस्ट रेटां दे उपर है, तो जे कम्युलेटिवली जे तुसी टोटल सबसिडी कॉम्पोनेंट की आप गल कर लिए इंडस्ट्री नूं ते तकरीबन 2600 करोड़ रुपया बन जाती है जिहड़ी कि पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं दित्ती जा रही है। इस तरीके दे नाल इंडस्ट्री नूं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करन दे परपस दे नाल एंकर इंडस्ट्री दे विच जिहड़े भी एम्प्लॉई रखे जाणगे, जे ओह SC BC OBC लेडीज़ होणगे, ते 48,000 रुपए
उन्होंने पर ईयर सरकार ने देना जो जनरल कैटेगरी के जेंट्स रखे जाएंगे तो 36,000 रुपए पर ईयर सरकार वालों ने जोड़े वो दिते जाने ने। इस तरीके प्रोजेक्टा की अपरूवल 25 करोड़ तक का कोई प्रोजेक्ट हो चंडीगढ़ धक्के खाने की लड़ नहीं, डिस्ट्रिक्ट लैवल के उपर विद इन टाइम फ्रेम उन्होंने अपरूवल्स ने जिड़िया वो मिल जाए ने। इंडस्ट्रियल नवे इंडस्ट्री पार्क ने जोड़े उन्होंने उपर जी प्लांट एंड मशीनरी जिन्नी भी कॉस्ट आएगी वह 125% की सबसिडी है जी गवर्नमेंट वालों वो दी जानी है। इस तरीके बॉर्डर के कंढी एरिया के जोड़े जोन ने उन्होंने भी एडिशनल इनसेंटिव ने जोड़े वो 40% तक वो सरकार ने अलाउ किए ने इस पॉलिसी के बासमती क्योंकि पंजाब दे पानी दी काफ़ी हद तक नॉर्मल जीरी नालों वो बचत कर दी है। ये जेडे कोई बासमती की प्रमोशन दे लई मंडी फीस है जी जे कोई बासमती नाल रिलेटेड प्रोजेक्ट लगनगे मंडी फीस है जी एग्जम्प्ट की जाएगी। इस तरीके धरती हेठले पानी नूं बचाउण दे लई सरफेस वाटर जिहड़े भी कोई इंडस्ट्री यूज करेगी 25% उन्होंने जोड़े वाटर यूसेज चार्जेस ने वो घट लगन। सो एक कई कई अहम इशूज़ ने जोड़े फैसला किया गया इस पॉलिसी का हिस्सा बने ने और ये कोई ये नहीं है कि पिछले सरकार वांगू मान साहब ने या साड़ी सरकार ने ड्रॉइंग रूम बैठ के ये फैसले ले ले। इंडस्ट्री के नाल बहुत मीटिंग हुई उन्हों तो सुझाव मंगे गए तकरीबन 1,000 तो वध सुझाव ने जोड़े वह इंडस्ट्री को आए तो उन्होंने ही इन्हों इनकॉरपोरेट जोड़ा किया गया। सो मैं समझदा कि ये पॉलिसी आने के नाल जोड़े इन्वेस्टर समिट असी करवा जा रहे हैं वो एक ह्यूज सक्सैस होएगा तो पंजाब सब तो फेवर डेस्टिनेशन है जी पूरे मुल्क दे विच बन जा रही है। इस तो अलावा जिवें चीमा साहब ने दसिया कि शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट जिहड़ा लंबे समय तो पेंडिंग पिया क्योंकि जे एंड के नाल उहदा डिस्प्यूट चल रहा सीगा वो मान साहब के एफर्ट्स के नाल और सारे साथियों ने बड़ी हिम्मत मारी ETO साहब ने खुद उसनू फॉलोअप किया 75 करोड़ रुपए का दे नाल वो इशू है जिहड़ा सैटल हो गया तो 31 जुलाई 2023 तक इस साल ये 206 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिहड़ा ये स्टार्ट हो जाएगा और बड़ी जल्दी ही इहदा लाभ है जिहड़ा पंजाब नू मिलना शुरू हो जाएगा। तुसीं पिछले समय के देखा होगा कि पिछलियां सरकारां चाहे अकाली दल की सी 10 साल कांग्रेस की सी 15 साल रेत माफिया पंजाब नू ते पंजाब दे सोमे नू लुट के खा गया। अज उस नू पक्की ठल पाउण दे लई एक अहम फैसला पंजाब दी कैबिनेट दे विच कीता है जिस दे विच इह अलाउ करवाया जा चुका है हाईकोर्ट वालों भी और CA दी जिहड़ियां परमिशन ने सारिया अपरूवल्स आ चुकियां ते फैसला हो चुका और परसों नू यानी कि 5 फरवरी नू खुद माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी लुधियाने दे विच उद्घाटन करन जा रहे ने शुरुआत करन जा रहे ने जिस दे तहत इमीजिएटली परसों तो ही 7 जिलों के 18 साइटा ने जिहड़ियां उन्हां दे विचों रेता इस तरीके नाल एक्सट्रैक्ट किया जा सके कोई व्यक्ति अपना ट्रैक्टर ट्राली लैके जाए तो उत्थों मैनुअली वो ट्रैक्टर ट्राली भर के लैके आ सकदा है तो रेट उन्हों लगेगा सिर्फ 5.5 रुपए पर फुट तो इन्हां दे उपर महकमे दे माइनिंग महकमे दे अफसर बैठणगे और इहदे नाल मैं समझदा कि अज ही इंपैक्ट इन्ना क पैना शुरू हो गया इस पॉलिसी के नाल दिखना शुरू हो गया कि तुसी लुधियाने पता कर लो तुसी पठानकोट पता कर लो रेते दे रेट ने जिहड़े उह सबसटेंशियली बहुत हद तक घट चुके ने। इहदे नाल अज परसों नूं इह शुरुआत करनगे CM साहब और 31-3 तक यानी कि होर 2 महीनों के विच तकरीबन 14 जिलों के 50 साइटा ने जिहड़ियां उह इस तरीके दे नाल चालू हो जाणगियां कि कोई व्यक्ति आपदे घर की वरतों के लिए जाए ट्रैक्टर ट्राली लैके जाए किसी आंढ़ी गुआढ़ी का ट्रैक्टर ट्राली लैके जाए तो उत्थों मैनुअली रेता भर लवे 5.5 रुपए उन्हों कॉस्ट करनी है आने जाने का खर्चा उस व्यक्ति का अपना होएगा। पर मैं समझदा कि ये ही जोड़ा एक व्डे पद्धर के उपर पंजाब माफिया चल रहा सू जड़ों पट के खत्म करने का काम है जोड़ा वो इस फैसले के नाल मान सरकार ने कर दिता और इस तरीके इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की गल चीमा साहब ने की है। इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नू कैबिनेट पहला अपरूवल आ रहा मैं समझदा कि अज पक्की मोहर है वो उपर लग चुकी है। इलैक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय का भविख है तो वो जे स्क्रैप दे विच कोई गड्डी व्यक्ति चेंज करता है पुरानी गड्डी दी जगह ते नवी इलैक्ट्रिक व्हीकल लैंदा है तो उन्होंने 15% जिहड़े उहदे रजिस्ट्रेशन चार्जिज़ ने उहदे विच बेनीफिट है जिहड़ा वो मिलेगा।
चार्जिंग स्टेशनज ने जिहड़े वो वड्डे पद्धर दे उपर पंजाब दे विच लाए जाणगे ताकि इस पासे लोगों नूं प्रमोट किया जा सके और जिहड़े जिहड़ी कन्वेंशनल गड्डियां ने उन्हां तों हौली हौली शिफ्ट किया जा सके इलैक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वल। और इस तरीके दे नाल एक बहुत वड्डा और अहम फैसला जिहड़े अज तक शायद कदे पंजाब दे लोगों ने पिछले सरकारां दे समय सोचे भी ना होवे, टीचर्स नूं 36 टीचर्स नूं सिंगापुर भेजण दा फैसला जिहड़ा ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ 6 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 11 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਫੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਟਿੱਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਫਟ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਸਪੋਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਲਿਆ, 5.5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, 2.5 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ 8 ਰੁਪਏ 'ਚ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਜੂਗਾ ਅਤੇ 40 ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਜੂਗੀ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਜੂਗੀ ਔਰ ਲੀਗਲ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਜੂਗੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਿੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟਿੱਪਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 18 ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਰ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 50 ਸਾਈਟਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਢੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿੜਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਅਕਸਰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਅਲੱਗ। कैबिनेट पेट्रोल डीजल पे कोई कैबिनेट में उसमें आज सेस लगा है क्योंकि लंबे समय से इसका जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी और मैं समझता हूँ कि आज पंजाब को रेवेन्यू जनरेशन की भी लोड है, सो उसके लिए ऊपर जो है कितना सेस लगाया गया? कितना सेस लगाया गया? 90 पैसे पर लीटर पेट्रोल डीजल। यस 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 यस। हाँ जी, देखो इस तरह के मकैनिज़म है जिहड़ा यह डिपार्टमेंट ने टोटली बना रखे है, इहदा मकसद जदों इंटेंशन सरकार की बड़ी क्लीयर है कि असी किसी माफिया चलन नहीं देना हैगा, इहदा मकैनिज़म है जिहड़ा वह पूरा मोनीटर होएगा टाइम एंड अगेन। जे कोई जांदा है जे सपोज़ ओदी चैक है जिहड़ा वह डिपार्टमेंट रखेगा तो माफिया जड़ों खत्म हो जाएगा। असी तुसी अज ही पता कर लो, पठानकोट लुधियाने पता कर लो, रेट्स ने जिहड़े सबस्टेंशियली घट चुके हैं।